हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो लेंथ को लेकर के है। तो जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें कुछ स्टोर करा देता हूँ, लाइक यहाँ पर रख देता हूँ ये, तो ये स्टोरेज स्टोर हो गया, ये हो गया। अब एंटरप्रेस करना है, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, ये एंटरप्रेस किया यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो ये प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट लिखने के बाद आगे यहाँ पे देंगे लेन, एलियन लेन, और बस उस वेरिएबल का केवल नाम भर दे देना है। ठीक है, तो ये वेरिएबल का नाम है, यही ना वेरिएबल का नाम है, बस ये दे दीजिए और यहाँ से इसको रन करवाता हूँ। इसको सेव करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये सेव कर लेते हैं, तो डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ, तो कुछ नाम देकर डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिया, तो बस ये हो गया। अब ये जब चलाएंगे तो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि सूरज में काउंट करिए 1 2 3 4 5, ये 5 कैरेक्टर्स लिखे हुए तो 5 ही आ रहा है। अगर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, लाइक ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं शहर का नाम लिख दिया जाए, देवरिया, बिल्कुल देवो के एरिया है, तो यहाँ पे रन करवा दिए, तो देखिए ना इसमें 6 कैरेक्टर दे रहा है, 6 कैरेक्टर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 है ना। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर लिखते हैं देवरिया सिटी इस तरीके से, तो क्या ये काम करेगा, एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे आए यहाँ पे, और ये देखिए ये स्पेस को भी काउंट करेगा, तो ये अब काउंट करिए, अगर स्पेस को भी काउंट करिएगा तो ये 11 आएगा, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 आ रहा है, तो ये लेंथ फंक्शन है। अब अगर हम चाहते हैं कि किसी और तरीके से इसको यूज करना, तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें लिस्ट बना सकते हैं, तो यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे ए या फिर नेम लिख लेता हूँ, ये लिखता हूँ मैं नेम इज इक्वल टू, अब लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, डॉटेड कोट्स में लिखते हैं, लाइक यहाँ पे एक नाम लिख देते हैं सूरज, ठीक है, डॉटेड कोट्स क्लोज, कामा राम आर ए एम राम, ये लिख दिया डॉटेड कोट्स क्लोज, यहाँ ओपन भी होगा क्लोज होगा, तो ये हो गया। और फिर यहाँ पर लिख देते हैं सोनू एस ओ एन यू, फिर यहाँ पर कॉमा दे देते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं रितेश, तो इस तरीके से लिखते हुए चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये लिस्ट की लेंथ जो है वो प्रिंट करेगा। तो देखिए कितने नाम हैं इस लिस्ट में, कितने नाम है, गिनिए 1 2 3 4 ही नाम है, तो बस एंटर करिए और यहाँ पर ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेंथ, और फिर यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, ये आपको लिखना पड़ेगा, तो ये नेम जो है एन कैपिटल है, कैपिटल से ही लिखेंगे हम, तो यहाँ पे एन ए एम ई नेम लिख दिया और बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद एंटर करके नीचे आएंगे, बस इसको प्रिंट करवा देंगे, तो ये प्रिंट भी हो जाएगा, तो ये प्रिंट लिखा हमने और यहाँ पे ए लिख देंगे, बंद करेंगे और यहाँ से अब इसको रन करवा देता हूँ, तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, जैसे ही सेव होगा ये चलेगा प्रोग्राम और ये प्रिंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए काउंट करिए कितना नाम है, 1 2 3 4 है ना, तो ये लिस्ट को इस तरीके से काउंट करके देगा। ठीक है।